पनकी धाम मंदिर, और इसमें ये लंगू फैमिली, देखिए आप कि किस तरह से ये है खेल खेल रहे हैं। देखिए ये देखिए कलाकारी करते हैं, कला है हाँ, बच्चे को खिला रही, बच्चे को सिखा रही। देखिए ये सीखना और सिखाना, प्रकृति से हम लोग सीख सकते हैं बहुत। देखो कैसे कैसे कलाबाजी करना है, कैसे जीवन के झंझावतों से जूझना है, हैं कैसे आगे बढ़ना है, ये हम प्रकृति से सीख सकते हैं। वो भी ये मैमल्स, हम लोग मानव हैं और हम लोगों के एंशेंट फैमिली मैमल्स ग्रुप के ही हैं। इनका 99% जीनोम मानव से मिलता है, तो जो भी ये क्रियाकलाप करते हैं उसी तरह से हम भी क्रियाकलाप करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें और हम में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। फिर आप कहेंगे कि हम लोग बंदर क्यों नहीं हो जाते, फिर बंदर मानव क्यों नहीं हो जाते, ये सब जेनेटिक मटेरियल का कार्य है। इनिशियल स्टेज देखेंगे तो एक ही जैसी जीनोम डेवलप होता है, और लास्ट में जो डीएनए इनका होता है वो बदल जाता है, और ऐसे वो बंदर हो जाते हैं और ऐसे हम मानव जन्म लेने लगते हैं। ये सारा खेल डीएनए का जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वो हम देख सकते हैं। ये देखिए पूरा जैसे खाने का सर्च ये करते हैं, ऐसे ही मानव और समस्त प्राणी अपने आवास रहने के लिए और अपनी भूख को शांत करने के लिए भोजन की तलाश निरंतर करते रहते हैं। बीच बीच में जब समय मिलता है तो ये अपना उल्लास किस तरह से प्रकट करते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को दिखाने का माध्यम ये है कि हमें प्रकृति से निरंतर सीखते रहना चाहिए और अपना जीवन सुखमय बनाते रहना चाहिए। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल फ्रॉम दिस एंड, थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी फॉर नेक्स्ट वीडियो।